हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल तारावती किचन्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम गेहूं के आटे से एक हेल्दी सा नाश्ता बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो झटपट बन के तैयार तो हो ही जाता है और खाने में बहुत ही हेल्दी है। इसे आप जो है एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। खाने में भी बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। सुबह के समय आप या शाम के समय आप इसे बना के खा सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए नाश्ता हमारा इतना अच्छा बन के तैयार होगा फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें। देखिए हम एक कप गेहूँ का आटा ले लिए हैं, जिससे हम रोटी चपाती बनाते हैं फ्रेंड्स, वही आटा हमारा है। और एक कप से थोड़ा सा कम हम चावल का आटा लिए हैं, हम मिला लेंगे अच्छी तरीके। एक चम्मच की सहायता से हम मिला ले रहे हैं, ये देखिए इस तरीके मिला लेंगे। फिर इसमें सब्जियां कुछ काटे हैं उसे ऐड करेंगे फ्रेंड्स। पहले हम पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छी तरीके से गेहूं के आटे को मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके हम मिला ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी हमें इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है। देखिए इस तरीके से मिला लिए हैं। अब हम सब्जियां कुछ काट लिए फ्रेंड्स। देखिए एक गाजर काट लिए हैं, एकदम बारीक चॉप कर लिए हैं, हम उसे डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं ग्रेट कर लिए हैं। और एक हम शिमला मिर्च काट लिए हैं बारीक, उसे भी डाल दे रहे हैं। प्याज काट लिए हैं बड़ी, उसे भी डाल दिए हैं। अदरक डाल दे रहे हैं, हरी मिर्च काटे हैं उसे डाल दे रहे हैं, हरी धनिया काट लिए हैं उसे डाल दे रहे हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखिए पहले हम जीरा डाल दे रहे हैं, एक टीस्पून हम जीरा डाल दे रहे हैं। हल्दी डाल देंगे आधा टीस्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स और देखने में भी अच्छा लगेगा। आधा टीस्पून हम कुटी लाल मिर्च डाल दिए हैं, गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किए हैं आधा टीस्पून तक, और आधा टीस्पून हम चाट मसाला डाल दिए हैं। देखिए हम बेकिंग सोडा डाले हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, आधा टीस्पून डाल दिए हैं। इससे नाश्ता हमारा फुला फुला बन के तैयार होगा। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए हैं, दही डाल देंगे दो चम्मच। इससे नाश्ता हमारा जालीदार बन के तैयार होगा और नाश्ता खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगा। हम सब अच्छी तरीके से फ्रेंड्स मिला लेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। पानी हम पहले भी आटे में डाले थे फ्रेंड्स, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा ही पानी डाल के हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बहुत गीला नहीं से हमें बनाना है। ये देखिए इस तरीके हम चम्मच की सहायता से थोड़ा सा पानी डाले थे फ्रेंड, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पानी लगा है, हम डाल के अच्छी तरीके से 5 से 6 चम्मच हम अच्छी तरीके से मिला लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है फ्रेंड्स, एक चम्मच की सहायता से हम इसे डालेंगे तेल फ्रेंड्स को अच्छा गर्म हो। ये देखिए उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर करके नाश्ते को तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें सब्जियाँ कुछ ऐड है, गेहूँ का आटा और चावल का आटा है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम मीडियम फ्लेम पर तैयार करेंगे तो अच्छी तरीके से पक भी जाएगा, नाश्ता हमारा फुला फुला बन के तैयार होगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमें इकट्ठा एक बार नहीं डालना है, बस इतना ही हम डालेंगे। देखिए नाश्ता हमारा फ्रेंड्स कितना फुला फुला बन के तैयार हुआ, आप देख सकते हैं खाने में उतना ही टेस्टी है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स और शेयर करें हमारे वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए नाश्ता हमारा दोनों साइड अच्छी तरीके से पक गया है, इसे पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता फ्रेंड, 2.5 से 3 मिनट लगता है। ये आप देख सकते हैं नाश्ता फुला फुला ऐसे बनके तैयार होगा, हम निकाल लेंगे। नाश्ता बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, ये देखिए निकाल ले रहे हैं। देखिए कितना जालीदार नाश्ता हमारा बना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं।
ये देखिए हम निकाल लिए हैं एक प्लेट में। इसी तरीके जो बचा है दूसरे बैच में हम इस तरीके डाल देंगे, जो बचा रहेगा इसी तरीके हम इसे भी बना लेंगे। देखिए डाल दे रहे हैं, दूसरे बैच का भी नाश्ता हमारा अच्छी तरीके दोनों साइड पक रहा है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके हमें उलट पलट देना है अच्छी तरीके से। इसे हमें बहुत क्रिस्पी नहीं करना है क्योंकि इसमें सब्जियां ऐड हैं तो ये हेल्दी नाश्ता काफ़ी है, तो इस मुलायम रहेगा बिल्कुल खाने में सॉफ्ट रहेगा। फ्रेंड्स हम निकाल ले रहे हैं, नाश्ता हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। जो बचा है उसे भी हम इसी तरीके बना लेंगे। देखिए हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं, नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर दिए हैं, हम एक तोड़ के भी आप सबको दिखाते हैं। देखिए पहले फ्रेंड्स कितना अच्छा है नाश्ता बना है, जालीदार नाश्ता हमारा, खाने में उतना ही टेस्टी है। एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।